अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से और मैं खड़ा हूँ जिना एवेन्यू पर। जिना एवेन्यू की दुकानें, शोरूम्स और अपार्टमेंट्स, मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा जिना एवेन्यू के शोरूम्स की। इस पर बात करते हैं, थोड़ा फिरते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या फ्यूचर परस्पेक्टिव में मुझे नज़र आता है इसमें इन्वेस्टमेंट का, रेंटल यील्ड के रेफरेंस में क्या नज़र आता है और ये कैसी इन्वेस्टमेंट है और कितने से आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाड़ी में बैठते हैं, फिरते हैं और फिर बात करते हैं। जी तो बेल्ट शीट लगा लेते हैं और चलते हैं और फिर बात करते हैं। शहीर नौजवान कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ओके, मैंने ठीक ठाक इंट्रो मैंने दे दिया। जिना एवेन्यू, हम वी गोइंग टुवर्ड्स गेट, हम बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। तो ये देख लें मेरे पीछे, ये एक ARE है। ये प्रोजेक्ट किसका है मुझे नहीं मालूम आज तक, ये दूसरा वाला, आई डोंट नो, स्टिल कांट फिगर इट। ये अबुल कासिम 3 है, अबुल कासिम 2 है, ये PC हाइट्स है। मतलब इन शॉर्ट ये कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर ग्राउंड पर शोरूम्स मौजूद हैं 600 स्क्वायर फीट से लेके, बड़ा रेयर होता है आपको 600-700 स्क्वायर फीट का कुछ मिले, लेकिन 600 स्क्वायर फीट से लेके 1200-1300 स्क्वायर फीट तक के, एवरेज जो है वो 1000-1100 स्क्वायर फीट है। और यहाँ पर 75,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेट है ग्राउंड फ्लोर का। और ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का रेट नहीं है, इस पैकेज में शामिल क्या है वो मैं अभी कोशिश करता हूँ किसी एक जगह पर रुक के आपको दिखा भी दूँ कि क्या शामिल है इसमें। 18 फिट हाइट का ग्राउंड फ्लोर शामिल है जिसपे आप मेज़नाइन बना सकते हो, यानी डेढ़ फ्लोर तो ये हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें हम ये सामने AQ हाइट्स है, इसको ज़रा देख लेते हैं। उसके अलावा इसमें बेसमेंट शामिल है, 10 फिट की बेसमेंट, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 18 फिट की बेसमेंट बना रहे हैं, यानी उसके अंदर भी दो फ्लोर। तो ये आपका 125 गज का प्लाजा है, ग्राउंड प्लस 3, मतलब 4 स्टोरी का। ये सिर्फ एक सादी आम दुकान नहीं है, ये पूरा एक आप कह लो 4 स्टोरी का प्लाजा है छोटा सा, 125 गज का, तकरीबन 5 मरले की दुकान है ये। और 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट ये मिलता है आपको। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि बेसमेंट अलहदा बेची हो किसी ने इसके अंदर और ग्राउंड अलहदा बेचा हो, सारा कंबाइन ही होता है। अब जैसे ये देखें, मैं बहरिया AQ हाइट्स पे आ गया हूँ। ये AQ हाइट्स है, ये शोरूम्स हैं। हम इधर उतरते हैं, ज़रा अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में पैकेज है क्या। अभी मैं खड़ा हूँ AQ हाइट्स में, जैसे मैंने आपको बताया ये इसकी हाइट देखी, ये 18 फीट हाइट है ग्राउंड, यानी इसमें आप मेज़नाइन बनाएंगे पूरा तकरीबन आधा ऑफिस बना सकते हैं ऊपर। तो ये 2 डिविजनिंग्स ग्राउंड फ्लोर और फिर इसकी बेसमेंट। दिस वाज़ द फर्स्ट बिल्डर जिसने 18 फीट की बेसमेंट बनाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, इन लोगों ने और एक दो लोगों ने कॉपी किया, लेकिन आप ना देखिए बेसमेंट की जितनी ग्राउंड की होती है, तो यहाँ पर भी आप पूरा एक फ्लोर बना सकते हैं, यानी ये सीढ़ी जो उतरी है जैसे फ्लोर शुरू हो तो ये इधर चली जाएगी और बाकी नीचे चली जाएगी। तो 4 फ्लोर का पूरा प्लाजा है 125 गज का।
ये 125 गज की दुकान है, 5 पटले की तकरीबन, जो मैंने आपको बोला था। चलें, और जब आपको बाकी बात गाड़ी में बैठो। अच्छा, तो ये मैंने आपको जैसे समझा दिया, ये AQ की दुकान है, यहाँ पर भी अगर आपको दुकान चाहिए है मेरे पास, और ये डबल बेसमेंट वाली। अच्छा, जब इस तरह की फिजिबिलिटी के साथ, इस तरह की खूबसूरत प्रोडक्ट के साथ आपको 75,000-80,000 रुपीज़ कोई मांगता है, तो मुझे जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि अब बात रेट की ओवरऑल काफ़ी आगे निकल गई है। जिनकी डबल बेसमेंट नहीं है वो भी सेम रेट कोट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्यों ना एक्स्ट्रा माइलेज लिया जाए, हमें यहाँ से घूमते हैं। दूसरा मैं बता रहा था कि अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मिलेगा, AQ इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, और 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएंगे। 30-35% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। ये आप कह लो कि तकरीबन कोई 8-8.5 करोड़ रुपये का शोरूम है जो इस साइज़ का है, तो आपको 35% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, जो कि 3 करोड़ रुपये बनता है, और उसके बाद 1.5-2 साल के अंदर आपको बाकी के पैसे देने और कब्जा मिलेगा। इसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी बनना शुरू नहीं हुए, और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी दुकानें बल्कि 8-10 फ्लोर भी बन गए हैं, तो दोनों में आपको इंस्टॉलमेंट्स में दिलवा सकता हूँ। रेंटल यील्ड, जो सबसे अट्रैक्टिव बात इसमें है रेंटल यील्ड, वो ये है कि अब जैसे ये आप ये देखो, ये सामने ये शोरूम है जो कि रेंट पे है बड़े अरसे से, ये 1100 स्क्वायर फीट का शोरूम है। ये शोरूम्स अपने मालिकों को, अपने ओनर्स को 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक रेंट दे रहे हैं, 4 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक रेंट दे रहे हैं, और जो उनकी कोर वैल्यू है, बेसिक वैल्यू जो है, वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ये जब 6 करोड़ रुपए के थे टोटल प्राइस में, तो ये 3 लाख रुपए रेंट दे रहे थे, अब ये पिछले 2 साल के अंदर ये इनकी प्राइस भी डबल हो गई है और इनका रेंट भी डबल हो गया, और मिलते भी मुश्किल से हैं, ये इनकी अवेलेबिलिटी कम है। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं ये सामने, ये अभी तो 18 फ्लोर बन रहे हैं इनके, तो ये जैसे जैसे पोजीशन में आते जाएंगे अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसी तरह से आबादी भी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो ये वैल्यू और ये रेंटल यील्ड कम होती नज़र नहीं आ रही मुझे। वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, एवर ग्रीन इन्वेस्टमेंट, जिना पे आप जो भी ले लो, आइदर इट्स एन ऑफिस और इट्स एन अपार्टमेंट या दुकान है शोरूम। लोग वही बात करते हैं जी पार्किंग नहीं है, ओ भाई पार्किंग नहीं है, तभी चीज़ें डबल हो गई हैं, मजीद डबल हो जाएंगी, डोंट मिस द चांस, डोंट मिस। अभी ये बन रहा है अभी आपके सामने, वो जो 20 साल के बाद किस्सा नहीं सुनाया करेंगे लोग के हमारे सामने बना है सारा, तो ये इतने का मिलता था हमने नहीं लिया और फलाना फलाना वो सारा कुछ, तो ये मिल रहा है हर चीज़ इधर। 8-10 प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे पास 20-25 शोरूम्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और 2-4 लमसम के ऊपर भी नंबर मौजूद है। डू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू आर सीरियस, वगरना कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है शहीर, मेरा ख्याल ये काफ़ी है जितना हमने बता दिया जी जिना एवेन्यू के शोरूम्स के बारे में, दुकानों के बारे में। आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे। ओके okay.